Hello everybody, welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years. मेरा नाम डॉक्टर एच ए सिद्धू है. मैं अभिमन्यू आई एस में इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस टीच करता हूँ. आई हैव बीन मेंटोरिंग द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स फॉर मोर देन 15 years and I have authored many books also for the UPSC and state civil services examinations. So before moving ahead, let me share an important information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the UPSC and state civil services preliminary and main examinations targeting 2023 and 2024. We are providing 7 days free trial classes also. If you want to join, you may click on the link given in the description, and moreover these courses will be available through both offline and online mode. Okay. And if you want to join specifically this Indian economy module, you can do so also. For that also you must have to visit the link in the description box. You may click the link therein and join the classes. Even for the Indian economy module classes also, we are giving some free trial classes, so you can join this also. So अभी अभिमन्यु आई एस में हमने एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड सीरीज़ स्टार्ट की है. इस सीरीज़ के अंदर हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, विच आई पर्सनली थिंक एज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर एज फार एज द UPSC and state civil services examination is concerned, and it is very much helpful you can say to the aspirants as well. तो आज जो टॉपिक मैंने डिस्कशन के लिए सिलेक्ट किया है वो है कॉन्सेप्ट इन इंडियन इकोनॉमी. टॉपिक का नेम है जे शेप्ड कर्व. सो हम जे शेप्ड कर्व के बारे में पहले डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ द जे शेप्ड कर्व. सो जे शेप्ड कर्व को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा that what is the trade deficit or balance of trade. हमें पहले इस चीज़ की समझ होनी चाहिए. So as far as this trade deficit is concerned, or I can say this balance of trade is concerned, so किसी भी country का जो rest of the world के साथ trade होता है, that is trade in the visibles, that means in the physical goods, and trade in the invisibles. ओके, दैट मीन्स ट्रेड इन द सर्विसेज एटसेट्रा. सो ये जो ट्रेड इन द विजिबल है इसमें जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं. okay? उस बैलेंस को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं. ओके, इट मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ व्हाट, दैट इज़ द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड डिफरेंट इन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स. ये जो एक्सपोर्ट की वैल्यू इम्पोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, एक्सपोर्ट की वैल्यू इम्पोर्ट की वैल्यू के इक्वल भी हो सकती है, एक्सपोर्ट की वैल्यू इम्पोर्ट की वैल्यू से कम भी हो सकती है. सो अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू इम्पोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि देयर इज़ ए ट्रेड सरप्लस. अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू इम्पोर्ट की वैल्यू के बराबर होगी तो हम कहेंगे कि देयर इज़ अ ट्रेड इक्विलिब्रियम. अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू है जो वो इंपोर्ट की वैल्यू से कम होगी तो वी विल से देयर इज ए ट्रेड डेफिसिट. सो दिस इज रिलेटेड विद द ट्रेड डेफिसिट. सो ये जो जे शेप्ड कर्व है इसको समझने से पहले हमें ट्रेड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था. In brief, I have told you about this concept, that what is the meaning of this concept, what do we mean by the trade deficit. अब जे शेप्ड कर्व कैसे बनती है. ओके, मैं यहाँ एक छोटी सी एक डायग्राम बना लेता हूँ. ओके, इसके इस तरफ टाइम है एंड इस तरफ मैं लेता हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड. ओके, मैं इसको ट्रेड डेफिसिट लिख लेता हूँ यहाँ. सो यहाँ मैं ट्रेड डेफिसिट लेता हूँ. okay, so this is the point that so balance of trade and trade deficit. okay, इसको समझने के लिए ये वाई को मैं नीचे लेता हूँ. okay, and यहाँ नेगेटिव वैल्यूज हैं और यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज हैं. मीन्स ये सरप्लस को डिनोट करता है और ये डेफिसिट को डिनोट करता है. अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो इन दिस जे शेप्ड कर्व कैसी होती है? जे शेप्ड कर्व की शेप कुछ इस तरीके की रहती है. दिस इज द शेप ऑफ द कर्व. तो इट मीन्स देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस जे शेप्ड कर्व. वन कंपोनेंट ऑफ द कर्व is this, we can say one component is this, and the other component of the curve is this one component which has been you can say this encircled by the green. Okay, so ये कैसे होगा? ये कहते हैं कि जब किसी कंट्री की करेंसी की devaluation होगी और उस कंट्री की करेंसी का depreciation होगा तो इनिशियली क्या होगा, जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन होगा, ट्रेड डेफिसिट और भी यू कैन से बढ़ेगा. ओके, सो दैट इज वाई द कर्व विल फॉल लाइक दिस एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट पिकिंग अप एंड इट विल गिव द दिस जे शेप टू द कर्व. दिस इज द पॉइंट व्हाट इज देयर. ओके, सो द पॉइंट इज दैट देयर आर टू कंपोनेंट्स. द वन कंपोनेंट ऑफ द कर्व इज दिस व्हिच हैज बीन मार्क्ड विद द ब्लू एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज दिस व्हिच हैज बीन मार्क्ड विद द ग्रीन. सो ये जो ब्लू कंपोनेंट है ये कब बनेगा? ये कहते हैं इनिशियली अगर किसी कंट्री की करेंसी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती है या उसकी डिवैल्यूएशन होती है तो ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज़ होगा. क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि इंपोर्ट का बिल इंक्रीज़ होगा ऑब्वियसली. सो अगर इंपोर्ट का बिल इंक्रीज़ होगा तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा एंड ट्रेड डेफिसिट विल यू कैन से स्वेल फर्दर और इट विल वाइडन फर्दर. बट ओवर द टाइम धीरे धीरे उस कंट्री की जो एक्सपोर्ट है करेंसी की डेप्रिसिएशन की वजह से, बिकॉज एक्सपोर्ट विल बिकम चीपर इन दैट केस, सो धीरे धीरे फिर उसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ेगा एंड एक्सपोर्ट विल स्टार्ट पिकिंग अप. और जब एक्सपोर्ट पिकअप करेगी तो वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो नैरो होगा, वो इम्प्रूव होने लगेगा. उस कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आएगी. बैलेंस ऑफ ट्रेड पहले वर्स हो रहा था, अब वो इम्प्रूव होने लगेगा एंड दैट इज़ वाई दिस पार्ट ऑफ द कर्व विल बी डेवलप्ड. जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये एक जे शेप की कर्व है जो वो यहाँ बन जाएगी. ओके, बट हियर वन वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट एक इम्पोर्टिंग कंट्री के लिए, ए कंट्री विच इज़ ए नेट इम्पोर्टर, वहाँ जो जे शेप्ड कर्व है दैट विल बी मोर विजिबल. ओके, वाई? बिकॉज ए कंट्री इज़ एन इम्पोर्टिंग कंट्री. सो जब एक कंट्री इंपोर्ट करेगा तो जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो उस कंट्री का इंपोर्ट बिल इंक्रीज़ होगा, ट्रेड डेफिसिट या बैलेंस ऑफ ट्रेड है जो वो इंक्रीज़ होगा, ट्रेड डेफिसिट वाइडन होगा एंड देन धीरे धीरे उसका फिर एक्सपोर्ट पिकअप करेगा. फिर इस तरह की शेप जो है वो बनेगी, वो इसको जे का शेप देगी. ओके, पर्टिकुलरली इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडियन इकॉनमी, इंडिया इज़ ए नेट इम्पोर्टिंग इकॉनमी बिकॉज सम petroleum, crude oil, gold, fertilizers and many other things हम import करते हैं. So India is mainly a net importing country we can say. So that is why India जैसे country में ये जो J shape curve है so ये more visible रहती है क्योंकि जब हमारी currency रूपी की depreciation होगी या रूपी की devaluation करेंगे हम तो क्या रहेगा, तो वो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इनिशियली वाइडन होगा, इंक्रीज होगा एंड देन स्लोली स्लोली जो हमारी एक्सपोर्ट पिकअप करेगी और ट्रेड डेफिसिट नैरो डाउन होने लगेगा और उस वजह से ये जो जे शेप बनेगी इस कर्व की. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट वी कैन से. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. थैंक यू.